जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम कुमार और आपका अपने YouTube चैनल प्रेम फिटनेस क्लब पर स्वागत है। दोस्तों, आप 5 किलोमीटर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बेस्ट क्यों होने वाला है दोस्तों, 5 किलोमीटर की रेस में आपको स्टेमिना की जरूरत होती है, स्पीड की जरूरत होती है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना रेस्ट लेना है, क्या क्या वर्कआउट करना है, ये सभी आपको नॉलेज होगी, तभी आप रनिंग को क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपकी 5 किलोमीटर की रेस बहुत ईजी हो जाएगी और आप आसानी से 5 किलोमीटर की रनिंग को पार कर दोगे, आप अपने फिजिकल को क्लियर कर दोगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने ये वर्कआउट 1 महीने फॉलो कर लिया तो आपका टाइम 18 से 20 मिनट बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के अंत तक। लेकिन आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, स्ट्रेचिंग वार्म अप कूल डाउन। दोस्तों, जब आप रनिंग करने के लिए ग्राउंड में जाते हो तो रनिंग करने से ठीक पहले आपको स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना चाहिए, इससे आपकी मसल्स, सोई हुई मसल्स एक्टिव होती है। रनिंग करने में आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रनिंग करते समय आपकी मसल्स एक्टिव रहेंगी तो आप बिना थके लंबे समय तक आसानी से दौड़ पाओगे। और ये कूल डाउन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप पूरा वर्कआउट फिनिश कर लेते हो तो उस समय आपकी मसल्स में पेन होने लगता है, उनको रिलैक्स करने के लिए आपको कूल डाउन की जरूरत होती है। तो आपको क्या करना है, वर्कआउट फिनिश करने के बाद आपको 3 से 4 राउंड वॉक करना है, कूलिंग डाउन करना है, स्लो स्लो रनिंग करना है, इससे आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी और आपकी मसल्स नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी होंगी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रोजाना आपको रनिंग करने से ठीक पहले आपको स्ट्रेचिंग वार्म अप करना है, रनिंग और वर्कआउट फिनिश करने के बाद आपको 3 से 4 राउंड कूल डाउन वॉक जरूर करना है। टिप्स नंबर 2, रनिंग स्टेमिना और रनिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, क्या क्या वर्कआउट करें मैं आज आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीक में 7 दिन होते हैं, 7वां दिन आपको रेस्ट लेना, यानी संडे का रेस्ट रहेगा आपका, ये समझ लो। बाकी 6 दिन 12 टाइम हो गए, सुबह शाम मिलाकर 12 टाइम हो गए, ये आप जानते हो। सुबह के समय आपको रोजाना क्या करना है, कंटिन्यूस लॉन्ग रनिंग करना है। पहले दिन आप 2 किलोमीटर रनिंग करो, दूसरे दिन 2.5 किलोमीटर रनिंग करो, तीसरे दिन 3 किलोमीटर रनिंग करने की कोशिश करो। इस तरीके से आप रोजाना अपनी रनिंग में 200 मीटर 400 मीटर 500 मीटर का इजाफा करोगे तो आपका रनिंग स्टेमिना बन जाएगा। अब बात करते हैं कि शाम के टाइम हमें क्या वर्कआउट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 3 टाइम आपको अपनी रनिंग स्पीड और एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए आपको रेपिटेशन लगाने हैं, 1000 मीटर के, 1200 मीटर के, 1500 मीटर के, 600 मीटर के, 800 मीटर के, इस तरीके से आपको रेपिटेशन लगाने, इससे आपका एंड्योरेंस मसल्स, एंड्योरेंस, आपकी रनिंग स्पीड सुधरेगी। बाकी टाइम आपको क्या करना है, पुल रनिंग कर सकते हो लेग्स पावर बढ़ाने के लिए, हील रनिंग कर सकते हो आपको रनिंग में पावर लाने के लिए, रनिंग स्पीड को ग्रो करने के लिए, और आपको क्या करना है, आपको सैंड रनिंग करना है वीक में 1 बार, ये आपको जरूर करना है, इससे आपका रनिंग एंड्योरेंस बहुत तेजी से ग्रो होगा, साथ ही साथ आपकी रनिंग स्पीड में भी सुधार होगा। तो इस तरीके से आप अपने रनिंग स्टेमिना और रनिंग स्पीड को सुधार सकते हो। टिप्स नंबर 3, दोस्तों ग्रुप में प्रैक्टिस करें। ग्रुप में हमें प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए, दोस्तों ग्रुप में एक से बढ़कर एक लड़के होते हैं, ये नहीं है कि आपने हेडफोन लगा लिया अपनी धुनों में मस्त हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अकेले वर्कआउट करोगे तो आप डीमोटिवेट बहुत जल्दी होगे, 2 किलोमीटर में ही थक जाओगे, 3 किलोमीटर में ही थक जाओगे। लेकिन आपके साथ के लड़के, अगर ग्रुप वाले लड़के आपके साथ हैं तो आपका हौसला बना रहेगा उनसे, और जैसे ही वो 2 किलोमीटर रनिंग करेंगे तो आप भी उनके साथ 2 किलोमीटर करने की कोशिश करोगे, 3 करेंगे तो आप भी 3 किलोमीटर करने की कोशिश करोगे, 4 किलोमीटर वो करने की कोशिश करेंगे तो आप भी उनके साथ 4 किलोमीटर रनिंग करने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों, आपको ग्रुप में प्रैक्टिस करना है, आपको हौसला बनाए रखना है, आपको ये फोकस करना है कि मैं इनसे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। तो दोस्तों, आपको ग्रुप में प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से आप अपनी रनिंग स्पीड और परफॉर्मेंस को ग्रो कर सकते हो। टिप्स नंबर 4, क्या सप्लीमेंट लें जिससे हमारी थकान दूर हो जाए, सांस फूलने की जो समस्या है वो दूर हो जाए, हमारी रिकवरी फास्ट हो जाए, नेक्स्ट वर्कआउट के लिए हम जल्दी रेडी हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको रिकवरी के लिए मल्टीविटामिन लेना है। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का मल्टीविटामिन मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, और आपकी जो सांस फूलने की समस्या है उसके लिए आप फिश ऑयल कैप्सूल ले सकते हो, ये भी आपको मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको 3रा सप्लीमेंट बताऊंगा जो आपकी स्टेमिना और स्पीड बढ़ाने के लिए बेहतर होगा। दोस्तों, ये सप्लीमेंट आमतौर पर लॉन्ग डिस्टेंस रनर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैं भी एक नेशनल प्लेयर रहा हूं, मैंने नेशनल प्लेयर्स को देखा है, लॉन्ग डिस्टेंस वाले रनर इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसका नाम है जीएन का जिंसिक, ये आपको आसानी से Amazon Flipkart पर मिल जाएगा, इसकी कीमत है 1100-1200 रुपए। तो दोस्तों, अगर आप इन 3 सप्लीमेंट को रनिंग टाइम अगर यूज करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका रनिंग में सांस भी नहीं फूलेगा, आपका तेजी से स्टेमिना बनेगा, आपका रनिंग में परफॉर्मेंस आएगा। टिप्स नंबर 5, डाइट, रेस्ट, कितना पानी पीना है, हमें कितना सोना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है, ताजा फलों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है, आपको ऑयली चीजों से दूर रहना है, जंक फूड से दूर रहना है, ऐसी चीजों से दूर रहना है जो आपकी रनिंग में इफेक्ट डाले।
दोस्तों आपको हरी सब्जियों का सेवन करना है, जूस का सेवन करना है, फलों का सेवन करना है, पीनट बटर का सेवन करना है, ओट्स का सेवन करना है, बनाना शेक का सेवन करना है, पनीर का सेवन करना है, कुछ इन चीजों को आप अपनी डाइट में ऐड करते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात, रनिंग के बाद आपको रोजाना क्या करना है, चना, मूंगफली, मूंग की दाल और सोयाबीन, चारों चीजों को आपको गला के रख देना और रनिंग के 20-25 मिनट बाद इन्हें खाना है। इस तरीके से आप इन चारों चीजों को यूज करोगे अपनी डाइट में तो आपका स्टेमिना बहुत तेजी से ग्रो होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें रेस्ट कितना लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप 8 से 9 घंटे की पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लोगे वर्कआउट करने के बाद, यानी 24 घंटे में आपको 8 से 9 घंटे जरूर सोना है। अगर आप नहीं सोओगे तो नेक्स्ट वर्कआउट के लिए आप रेडी नहीं हो पाओगे, दूसरे दिन आप आलस में आ जाओगे, मैं नहीं रनिंग करने जा रहा, मेरी बॉडी थक गई है, आप दूसरे खिलाड़ी से बस यही बोल दोगे। अब बात करते हैं हमें पानी कितना पीना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे पसीने के थ्रू हमारा पानी बहुत ज्यादा बॉडी से निकल जाता है, तो दोस्तों आपको 5 से 6 लीटर रेगुलर पानी पीना है। इससे आपकी मसल्स खुली रहेंगी, एक्टिव रहेंगी, मसल्स आपकी टाइट नहीं पड़ेंगे, वर्कआउट करते समय आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये 5 टिप्स अगर आप 1 महीने तक फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना, रनिंग स्पीड में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेकर। दोस्तों इस वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।